कोरोना बीमारी के चलते समस्त देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे बीमारी विकराल रूप ना ले। लॉकडाउन का संपूर्ण देशवासी पालन कर रहे हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस लॉकडाउन से गरीबों के घर में कई दिन से चूल्हे नहीं जल रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कांटी में, जहां कई दिनों से आदिवासी भूखे हैं, जिनकी प्रशासन ने कई दिनों से आज तक सूद नहीं ली है। घर के लोग रोजगार की तलाश में बाहर गए, मगर लॉकडाउन की वजह से घर वापस नहीं आए। घर पर छोटे बच्चे और उनकी दादी जंगली बेर खाकर भूख मिटा रही है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? कांटी मोहनगढ़ के पास जो कांटी है। अच्छा, आपके आप लोग खड़े हो स्थिति में, आपके पापा चाचा वगैरह कहाँ हैं? बाहर गए। किस लिए गए? कमावे। तो वो अभी लौट के नहीं आए? कब से गए? कितने दिन हो गए? करीब हमारे पापा को हो गए 1 महीना। हाँ। और हमारे दादूहन को हो गए 6-7 महीना। अच्छा, कमाने के लिए गए थे, अभी वो लौट के वापस नहीं आए? नहीं। तो जब वो नहीं आए हैं तो आपका खाना पीना घर में कुछ है क्या? और फिर आप लोग कैसे क्या खा रहे हो? बीर वगैरह। और आज तक प्रशासन ने या कोई आपके इलाज में मदद करने के लिए आया? नहीं आया। कोई जानकारी देने आया कि कोरोना के बारे में क्या कि आपको बीमारी है, आपको खाने नहीं मिल रहा है तो आपको दिया जाए? बाकी हमारी शासन बहुत व्यवस्थाएं कर रही है कि गरीबों को, ग्राम पंचायत को, तहसीलदार को, अन्य को, के गरीब लोगों को, आदिवासियों को या जो फंसे हैं उनको खाना पीना दिया जाए। आपके यहाँ कोई पैकेट आया आज तक भोजन का? नहीं आया। किसी ने नहीं दिया? हाँ, किसी ने नहीं दिया। और आपकी इस बहन को दूध वगैरह मिल रहा है क्या पीने को? कुछ नहीं मिल रहा हो? आंगनबाड़ी से कुछ मिला? तना कभी मिलते हैं। अभी मिला कभी 2-4 दिन के अंदर? नहीं मिला। हाँ, सरपंच वगैरह से? नहीं मिला। कोई अन्न पटवाई वगैरह आया हो? कोई नहीं मिला। कोई तुम्हारी सुध नहीं ले रहा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।